पहले किस दृष्टि से आपको लोग देखते थे और अब किस दृष्टि से देखते हैं? पहले तो ऐसा था कि कोई इज्जत नहीं थी। अच्छा, और वैसे करते थे कि चलो काम पे आ गया, ठीक है काम करो काम। उसको बोले बाबू जी थोड़ा पैसा चाहिए, दो दिन में देंगे, तीन दिन में देंगे, खड़े रहो। फिर के काम छोड़ते नहीं, कि काम छोड़ेंगे तो बेंचो फिर खाएंगे क्या। तो दोस्तों ताजमहल किसने बनवाया, उसे तो सब जानते हैं कि शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था, लेकिन ताजमहल किसने बनाया, क्या आप उसे जानते हैं कि ताजमहल किसने बनाया था, कौन थे वो कारीगर, कहां से थे? तो आइए, ये जो पूरे सवाल हैं आपके दिमाग में, जो भी ताजमहल को लेकर सवाल होंगे कि ताजमहल किसने बनाया था, ये सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। और मैं मिलवाऊंगा भी वो जो कारीगर थे जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, उनके बच्चों से मैं कहूँ तो मैं मिलवाऊंगा, उनकी जो पीढ़ी है जो इस शिल्पकारी को आगे बढ़ा रही है, उन लोगों से मिलवाऊंगा मैं कि वो कारीगर कौन थे और कहां से थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन शुक्ला ब्लॉग्स। तो दोस्तों जैसा अभी आपने सुना होगा कि ताजमहल जिसने बनाया था वो कारीगर कौन थे, और मैंने अभी कहा भी था कि मैं उन सब से मिलवाऊंगा और उनसे बात करूंगा कि और क्या क्या बनाया था और वो पीढ़ी कैसी है। तो चलो मैं आपको मिलवाता हूँ कौन है जिन्होंने ताजमहल को बनाया था। तो भाई जी, तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्की। विक्की, विक्की, और मतलब पूरा नाम क्या है आपका? विक्की वर्मा। विक्की वर्मा। तो वर्मा जी ये बताइए कि जैसे हम दो दिन पहले मिले थे तो आपने अपनी पूरी बातें बताई थी, आपने पूरी अपनी कहानी बताई थी, किस प्रकार आपकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी से आप इस शिल्पकारी का काम कर रहे हैं, और आपने ये भी बताया था मुझे कि आपके जो पूर्वज थे वो ताजमहल जब बना था तो उन्होंने भी उसमें अपनी शिल्पकारी दिखाई थी, तो ये सच है ना? ये सच है जी। तो और आपके पूर्वज हैं जो आपके दादा बाबा, उन्होंने और ऐसी कौन कौन सी इमारतें बनाई है, बताइए हमारे जो दर्शक हैं उन्हें। हमारे जैसे राजस्थान में सबसे बड़ा पिलानी है, वहाँ पे भोलेनाथ जी की फोटो बनाई है। मेरे पापा ने भी काम करा है और मेरे भाई ने भी काम करा है। मेरे भाई का नाम विजय है जी, और वहाँ पे सब काम करते हैं। मैंने मेरे विजय भाई से काम सीखा, और ये हमारी कलाकारी, हमारी इज्जत रोटी है ना। इसकी पहले लोग कलाकारी की इज्जत नहीं करते थे, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं लोग कलाकारी की। और जैसे मैंने एक और चीज़ मतलब सुनी है, जब आपने भी सुनी होगी, आपके जो पूर्वज उन्होंने बताया होगा, जब दादा बाबा हैं, कि जब ताजमहल बना था तो उसके बाद शाहजहां ने उन तमाम मजदूरों के हाथों को कटवा दिया था। हाँ। क्योंकि इसके बाद वो ऐसी कोई शिल्पकारी कहीं ना कर पाए। तो अभी आप, मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पर जो ये शिल्पकारी सुंदर सुंदर, ये जो हमारे भगवान देवी देवता है उनका यहाँ पर ये मतलब सुंदर मूर्तियां बना रहे हैं, तो क्या ये देवी मंदिर जो ट्रस्ट है आपका हाथ तो नहीं कटवाएगा? नहीं नहीं, पता नहीं है, हाथ कटवाने का चांस नहीं है जी। ये मजाक था सर। तो ये बहुत ही सुंदर आपकी शिल्पकारी है, तो और कुछ बताइए और कौन कौन है, और अब आप जो है जैसे आप इस पीढ़ी दर पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं इस शिल्पकारी को, इस कलाकृति को, तो जब आपके बाल बच्चे अभी हैं? हाँ बाल बच्चे हैं, मेरे दो लड़के हैं। दो लड़के हैं। हाँ। तो आप उन्हें मतलब मैं कहूँ तो पढ़ाई लिखाई करवा के कोई नौकरी करवाना चाहेंगे या यही शिल्पकारी का काम करवाएंगे? सिखवाएंगे उनको पेंटिंग का, जैसे मूर्तिकारी का, ये काम सिखवाएंगे, और काम हम नहीं सिखवाएंगे। नौकरी का चांस भी नहीं है, हमारी इज्जत रोटी इसको नहीं छोड़ेंगे। तो नौकरी क्यों नहीं करना चाहेंगे आप? नौकरी में कोई इंटरेस्ट वाली बात ही नहीं, इसमें इज्जत है। पहले लोग इज्जत नहीं करते थे, आज लोग इस चीज की इज्जत कर रहे हैं। मतलब मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि पहले जब आप शिल्पकारी कहीं करते थे, या आपके बाबा दादा है वो भी बताते होंगे, पहले लोग किस दृष्टि से उन्हें देखते थे? वो पहले वाली बात थी, उनमें इंटरेस्ट नहीं रखते थे, जो ये लोग है ना नफरत करते थे मूर्तिकारी को, इज्जत नहीं थी। आज के टाइम में सबसे इज्जत करते। मतलब ऐसी कोई बात तो होगी आपके बाबा दादा ने बताया होगा, जब वो कहीं ऐसी शिल्पकारी करने जाते हैं तो लोग मतलब कुछ कहते होंगे कि भाई क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ आप सुना है आपने? मैंने तो आज तक नहीं सुना ऐसा। नहीं सुना है? तो उस टाइम फायदा होता था पहले या अब फायदा इस चीज में? फायदा हमारी इस लाइन में। अब क्यों फायदा है इसमें? अब लोग इज्जत भी करते हैं, पहले इज्जत भी नहीं थी इस काम की, कोई वैल्यू भी नहीं करता था, क्या काम कर रहा है ऐसी, ये नॉर्मल है। आज ऐसी चीजें कोई बना सकता नहीं है जैसे अच्छा। हम बना रहे हैं जैसे मूर्ति वगैरह, तो कोई बना सकता नहीं है। अच्छा। सबसे ज्यादा राजस्थान में कारीगर मिलेंगे और कहीं का। तो राजस्थान में, तो राजस्थान में आप कहाँ से, ये पूरा बताएंगे? मैं राजस्थान से हूँ, रामगढ़ शेखावटी से। रामगढ़ शेखावटी से। शेखावट। अगर हमें कभी आपसे मिलने जाना हो तो हम कैसे जाएंगे आपके घर, कोई ऐसा इजी रास्ता बताएंगे आप? रास्ता आप जाहिर से यहाँ से बैठो झुंझुनू के लिए, झुंझुनू के पास में है मेरा गाँव रामगढ़, छोटा सा गाँव है,
ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, शहर जैसा तो नहीं है, पर हम वहाँ पे सब कलाकारी कलाकार मिलेंगे, हर घर में कलाकार मिलेगा हमारे। तो आप यहाँ अकेले हैं या आपके साथ और भी आपके जो भाई बंधु हैं वो आए हैं साथ में? मेरे जैसे चाचा का लड़का है, ये मेरे साथ में जी। तो आइए इनके जो चाचा के लड़के हैं इनसे बात करेंगे। तो सर आपका नाम क्या है? विकास कुमार। तो विकास कुमार सर, आपने ये शिल्पकारी का जो रास्ता क्यों चुना? आप तो मैं कहूँ तो आप शायद पढ़े लिखे लग रहे हैं, कहाँ तक पढ़े हैं आप? 12th पढ़ा हूँ। आप 12th पढ़े हैं, तो आप 12th पढ़ने के बाद कोई नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन आप शिल्पकारी के इस काम में ही क्यों आए? नौकरी का तो पता नहीं, आजकल हर बंदा पढ़ाई करता है, बट इसमें हमारी इज्जत भी है और इसमें वो पैसे भी अच्छे हैं। तो मतलब आपको इस चीज में इंटरेस्ट है बचपन से? जी हाँ। तो इसलिए आप ये काम कर रहे हैं? हाँ जी। और यहाँ पर एक और सर हैं, मैं कहूँ तो ये शायद आप इनके भाई हैं? हाँ जी जी। ये मैं कहूँ तो बिक्की भाई के बड़े भाई हैं। सर आपका नाम? संपत कुमार। तो संपत जी, आपकी मैं कहूँ तो पूरा आपका जो ये खानदान है ये शिल्पकारी के काम में ही है। तो आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं अपने बच्चों को कोई ऑफिसर बनाऊँ या सरकारी नौकरी का मतलब ऐसा कुछ करवाऊँ? नहीं नहीं नहीं, उस ऑफिसर में क्या कोई फायदा नहीं है, इसमें क्या थोड़ा काम भी आ जाता है, थोड़ा मेहनत भी होता है, थोड़ा और भी होता है, टैलेंट भी, इसमें टैलेंट सही रहता है, उसमें टैलेंट सही नहीं है, नौकरी में क्या फायदा, कोई फायदा। तो लोग जब आप ये शिल्पकारी कहीं करने जाते हो तो आपका कॉन्टेक्ट कैसे होता है, किसके थ्रू जाते हो आप? हमारा बड़ा भाई है विजय। आपका भी बड़ा भाई है? बड़ा भाई है, उसको उसके पास फोन बहुत आता है, उससे क्या कॉन्टेक्ट उससे होता है। अच्छा। उससे ओके, वो हमको अलग अलग साइड पे भेजता है, कहीं इधर उनको काम करना है। तो आप यहाँ पर मैं कहूँ तो अपना खुद का काम करते हैं या ठेकेदारी में आपके ऊपर कोई है जो आपसे काम करवाता है? ऊपर से हमारा ऊपर बड़ा भाई है ना। अच्छा, वही करता है। मतलब आपके बड़े भाई हैं, तो वो ठेकेदार की तरह काम करवाते हैं या ऐसे आपका? नहीं, वो भाई की तरह काम, भाई की तरह काम करवाते हैं, ठेकेदार नहीं। तो सर आप ये बताओ कि पहले आप जब कहीं काम करने जाते थे और अब कहीं काम करने आते हो, तो पहले किस दृष्टि से आपको लोग देखते थे और अब किस दृष्टि से देखते हैं? पहले तो ऐसा था कि कोई इज्जत नहीं थी। अच्छा। और वैसे करते कि चलो काम पे आ गया, ठीक है काम करो काम। हाँ, उसको बोले बाबूजी थोड़ा पैसा चाहिए, 2 दिन में देंगे, 3 दिन में देंगे, खड़े रहो। फिर के काम छोड़ते नहीं, कि काम छोड़ेंगे तो बेंचो फिर खाएंगे क्या। धीरे धीरे ऐसा ऐसा होता होते फिर हमको बड़ा भाई ने मिला, ये बोला हमारे पास रहो, तुमको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आओ इधर काम करो, अपना काम समझ के काम करो जी, ऐसा है। तो देखा आपने कि संपत भाई ने कितनी खूब बात कही कि इस काम में ये इसलिए इस काम को करते हैं क्योंकि ये खुद का काम है और इससे ये अपने शिल्पकारी को, अपनी कलाकृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों देखा आप सबने कि किस प्रकार मैंने जो सारे भाई हैं, मैं कहूँ तो नाम बताऊँ तो मैं बिक्की भाई, विकास भाई और संपत भाई, जो मैं कहूँ तो ताजमहल जिन कारीगरों ने बनाया था उनके, मैं कहूँ तो उनकी अगली से अगली पीढ़ी है। तो मैंने उनसे बात किया और उन्होंने क्या खूब तरीके से बताया कि जो पहले था, पहले उनकी शिल्पकारी जो कारीगरी थी उससे मैं कहूँ तो और ज़्यादा निखार आ गया है जब वो काम कर रहे हैं। तो आपने पूरा देख लिया होगा कि उन्होंने किस प्रकार बताया कि पहले की अपेक्षा अब उनको ज़्यादा इज्जत मिलती है, ज़्यादा प्यार मिलता है और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। तो दोस्तों जो ये ताजमहल के कारीगरों से मैंने आपको मिलवाई, वीडियो आपको कैसी लगी? और अगर आपका कोई सवाल हो, आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो ये जो भाई हैं जो राजस्थान के ये शिल्पकार हैं, मैं इनका नंबर वगैरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको कोई शंका होगा कि ये कोई ऐसी फेक वीडियो है, लोग बहुत से लोग कहते हैं कि फेक वीडियो भाई, तो नहीं, आप बात डायरेक्ट कर लेना। और अगर ज़्यादा शंका हो तो ये लोग अभी मैं कहूँ तो पानीपत के देवी मंदिर में काम कर रहे हैं, ये मैं पीछे दिखा रहा हूँ जो ये दीवारों पर ये मैं कहूँ तो खूबसूरत चित्र जो भगवान के बनाए जा रहे हैं ये वही लोग कर रहे हैं और मैं तकरीबन पिछले 3 साल से ये लोग ये काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आके उनसे मिल भी सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।